ये जी आज का हमारा फाइनल टॉपिक 3D इफेक्ट्स। 3D इफेक्ट्स में जहां बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, वहां पे अगर आपने एक्सट्रूड इफेक्ट देने हो तो क्या, जैसे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा नीचे एक्सट्रूड, इसमें अगर आप गौर करो इसके ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट्स आपको जो है वो इसकी प्रेजेंस वहां पे नजर आ रही है, ये एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगेंगे। ये भी किसी शेप पे भी लगा सकते, जैसे ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है या आपको 3D बॉक्स नजर आ रहा है, इसकी 3 डायमेंशन नजर आ रही है, टॉप भी आ रहा है, लेफ्ट भी आ रहा है, फ्रंट फेस भी नजर आ रहा है। इसका मतलब जब कभी 3 डायमेंशन आपको रिक्वायर्ड हो तो ये इफेक्ट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, यहां तक कि टेक्स्ट भी हो, अगर आपने इसके 3D देखना है, अगर आप एक्सट्रूड पर गौर करो तो फ्रंट फेस दिख रहा है, टॉप दिख रहा है और लेफ्ट दिख रहा है। जब 3 फेसेस दिखे तो उसे बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशनल इफेक्ट्स। 3 डायमेंशनल इफेक्ट्स अगर आपने कभी किसी भी आप इलस्ट्रेटर में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर देखना चाहो ऑन योर आर्टबोर्ड, यू कैन डू इट। अब वो कैसे होता है उसके लिए, अगर आप सिंपल टेक्स्ट की बात करते हो वो मैं अभी आप करके दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जैसे एक शेप है, ठीक है जी, डिफॉल्ट कर लेते हैं, और डिफॉल्ट करने के बाद इसके कलर्स काइंड ऑफ चले गोल्डन कर लेते हो, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने 3D इसकी लुक देनी हो तो कैसे देंगे, मैं आपको ना एक रेक्टेंगल ले लेते हैं विद शार्प कॉर्नर्स, राउंड तो वैसे भी बाद में भी कर सकते हैं, शार्प कॉर्नर्स ही ले देते हैं, स्क्वेयर बना लो या रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। चलें एक सिंपल सा स्क्वेयर मैंने बना दिया, इस स्क्वेयर के ऊपर मैंने स्ट्रोक को नन कर दिया, स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दी, जानबूझ के ऑफ किया, बाद में मैं आपको ऑन करके भी अगर आप करना चाहो कर सकते हो। आप जब इसको लेते हो तो अब आपने एक और काम करना है, काम ये करना है स्टूडेंट्स के अपीयरेंस पैनल के थ्रू आपने लगाना है। इफेक्ट्स जो हैं वैसे तो यहां से लग सकते हैं, ये इफेक्ट्स जो अभी सीखने जा रहे हैं तीनों, पहले ऑप्शन है एक्सट्रूड एंड बेवल, दूसरी है रिवॉल्व, तीसरी है रोटेट। एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक यहां से करने की बजाय, क्योंकि कल को अगर आपको आदत ये वाली पड़ जाती है इफेक्ट मेन्यू के थ्रू जाने की, तो ये काफी हैवी ग्राफिक्स होते हैं, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, हो सकता है इलस्ट्रेटर को वो क्लोज करते हैं, रैम चाहिए होती है, ग्राफिक कार्ड की रिक्वायर्ड होती है, और फिर प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हाई कंप्यूट चाहिए होता है इसको पावर के साथ, तो वो आपको अलाउ नहीं करता अगर आपके पास रैम नहीं होगा एडिशनल या ग्राफिक कार्ड नहीं लगा होगा, तो या इंटरनल लगाओ तो बेस्ट हो जाए। आमतौर पे इंटरनल तो ग्राफिक कार्ड आजकल के लैपटॉप में बिल्ट इन होता है, तो कभी भी आप मार्केट में भी जाओ और परचेज करो कम से कम इंटरनल ग्राफिक कार्ड के साथ आओ, क्योंकि कल को आपने आफ्टर इफेक्ट सीखना है, एनिमेट सीखना है, आपने इसमें वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो ग्राफिक कार्ड तो कम से कम होना चाहिए। तो आप बाकी जहां तक डेस्कटॉप है आपको परचेज करना पड़ता है, वो अलग से आपको इंस्टॉल करवाना पड़ता है। आजकल के लैपटॉप जब आप परचेज करने जाओ कम से कम इंटरनल ग्राफिक कार्ड और उसका प्रोसेसिंग जो कंप्यूट पावर है उसकी अपनी प्रोसेसिंग स्पीड भी होती है, सीपीयू होता है ना, एक जीपीयू होता है, वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू आपका जो है अगर उसमें आपको अलाउ करता है तो आपके ऐसी इमेजेस को जहां रेंडरिंग रिक्वायर्ड होती है, जहां पे एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है, जहां पे एनिमेशंस रिक्वायर्ड होती है, वहां पे आपको ग्राफिक कार्ड का होना जरूरी हो जाता है। गो के गुजारा हो सकता है, किसी ना किसी कुछ ना कुछ ऑप्शन चल जाती हैं, लेकिन ग्राफिक कार्ड अगर इंस्टॉल हो और जब कभी आप लैपटॉप लो कम से कम इंटरनल जो ग्राफिक कार्ड होता है उसके साथ आपको परचेज करना चाहिए, और जब आप इसको चेक करना चाहो ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल है कि नहीं है तो डिवाइस मैनेजर में जाके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ये डिवाइस मैनेजर का ये लिस्ट है आपके पास, यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल नजर आ रही होगी, ये डिस्क ड्राइव्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, कंप्यूटर है, बैटरीज हैं, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो ये आपको यहाँ पे ये काफी डिटेल्स नजर आएंगी। अगर आपका साउंड कार्ड लगा हुआ है, जिस तरह ये साउंड कार्ड यहाँ पे दिख रहा है इंटेल का, डिस्प्ले ऑडियो के लिए साउंड कार्ड तो है इसमें, या आपके प्रोसेसर्स,
आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट भी है, ये नेटवर्क अडाप्टर भी है, ये मॉनिटर भी है, ये आपका माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस भी है, जैसे इसमें तो एक डेल टच, एक कंप्लाइंट माउस, ये जो मेरा इस वक्त ये दोनों अवेलेबल है, टच पैड की फैसिलिटी भी है और एडिशनल मैंने माउस भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा यहाँ से देखना चाहो तो ये आपको कीबोर्ड की भी प्लेसमेंट है, यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल लगाओ तो एक्सटर्नल कीबोर्ड की भी यहाँ पे आपको नजर आएगी, ये आपको ये डिस्प्ले अडाप्टर आ गया, ये ग्राफिक कार्ड आ गया, इंटरनल लगा हुआ है, HD हाई डेफिनेशन ग्राफिक 520, ये डिस्प्ले अडाप्टर के अंडर अगर आपको भी नजर आ रहा है, अगर आपको भी नजर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी डिवाइस के ऊपर इंटरनल ग्राफिक कार्ड है, जिस तरह ये नजर आ रहा है मुझे, डिस्प्ले अडाप्टर के नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर से कंप्यूटर इसको छोड़ देना, डिस्क्राइब को छोड़ना, डिस्प्ले अडाप्टर टॉप पे ही आपका फोर्थ नंबर पे पड़ा होगा, वहां से जाके आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके डिवाइस में क्या सपोर्ट है, आपकी इंटरनल कार्ड है, तो इंटरनल कार्ड ये मेरा इसमें है, तो काफी हद तक मेरी कम अज कम जितनी रिक्वायरमेंट है मेरी फुलफिल हो जाती है, मुझे काम सारे तकरीबन हो जाते हैं, थोड़ा स्लो हो सकते हैं रिस्पॉन्स, तो अगर आप इसको मजीद अच्छा वाला लैपटॉप लो तो उसमें ग्राफिक कार्ड के बारे में ज़रूर अपनी क्यूरी पुट कर देना कि आप रेंडरिंग करना चाह रहे हो, एनिमेशन बनाना चाह रहे हो या वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो, तो इंटरनल ग्राफिक कार्ड की फैसिलिटी है, ये एडिशनल आपको प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, स्पीड अप करता है, एफिशिएंट बना देता है सिस्टम को, सिर्फ रैम से काम नहीं होता, साथ में अगर इंटरनल आपके पास सपोर्ट सीपीयू के अलावा जीपीयू की भी हो तो लाजवाब स्पीड बेहतर हो जाती है, आप काम करने में काफ़ी ईजी हो जाता है, जीपीयू एंड सीपीयू दोनों की सपोर्ट हो तो, सीपीयू तो होता ही है, जीपीयू आपका इंटरनल बिल्ट इन अगर हो तो वेरी गुड। अच्छा जनाब, अब आ जाओ वापस अपने इस ऑप्शन के ऊपर, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आपने 3D इफेक्ट्स, ये जो आपके कोई भी हो इनमें से, इसको आपने इफेक्ट्स मेन्यू के थ्रू नहीं प्ले करना, आपने अपीयरेंस पैनल के थ्रू करना है, अपीयरेंस पैनल में जाना और यहाँ पे ये इफेक्ट्स है, यहाँ से आपने 3D लगा देना, 3D एक्सट्रूडेंट बेवल पे क्लिक कर देना, बस इतनी सी बात है, इसका अपना एक मेन्यू इसके सेटिंग का ऑप्शंस का आ जाएगा, और ये देखो 3D इफेक्ट्स लग चुके हैं, आप अब 3D व्यू नजर आ रहा है, इस शेप का टॉप भी नजर आ रहा है, लेफ्ट भी नजर आ रहा है और फेस भी नजर आ रहा है, और ये फ्रंट है, ये आपका यहाँ से भी दिख रहा है, इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, सिर्फ फ्रंट देखना है, ये फ्रंट आ गया, और बाय डिफॉल्ट वैसे होता है ऑफ एक्सिस फ्रंट, ये होता है डिफॉल्ट, ये ऑफ एक्सिस फ्रंट, और इसको अगर आप बॉटम देखना है, टॉप देखना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको ऑफसेट फ्रंट के अलावा ऑफसेट राइट भी देख सकते हो, ठीक है ना, मॉडल अपनी अपनी वो लोकेशन को चेंज कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, राइट कर रहा है, ये आप यहां से और यहां से भी कर सकते हैं ये काम ऐसे। अगर आप कोई पैकेजिंग की बात करो, लाजवाब पैकेजिंग की, आप डायमेंशन अगर होगी तो डायमेंशन के ऊपर आप इसी तरह उसके कंटेंट अपना बना के उसको प्रिंट निकाल के दे सकते हो, ये डायमेंशन हो रही है ना इसकी, कि फेस ये है, लेफ्ट ये है, टॉप ये है, और इसका अगर आप बॉटम देखना चाहो, ये बॉटम ये है, और बिल्कुल स्क्रॉल करके ये बैक आ गया, ये देखो ये बैक आ गया, ये डार्कर शेड आ गया, ठीक है, इस तरह ये आपको लाइट, ये देखो ये लाइटिंग है, इधर आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा नजर आ रही है, इधर डार्कनेस नजर आ रही है, टॉप पे आपको थोड़ा सा लाइट ज़्यादा फेस, और अगर आप इधर से भी कंट्रोल करना चाह रहे हो इसको इधर से कर लेना, ये देखो एक्स एक्सिस मूवमेंट हो रही है, यहां से भी कर सकते हो एक्स एक्सिस, सब पे स्ट्रोक्स आती है ना इसके, स्ट्रोक तो मैंने जानबूझ के ऑफ किया था, स्ट्रोक भी रख लेते, स्ट्रोक भी वैसे ही नजर आता, ये वाई एक्सिस हो रहा है, ये समझ लो ये आपका एक्स एक्सिस हो रहा है, ये समझ लो ये वाई एक्सिस हो रहा है, और एक आपका जेड एक्सिस भी होता है, घूमता है, रोटेट करता है, घुमा रहा है उसको, और अगर आप इधर से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप यहां से जाके इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ये बाय डिफॉल्ट होता है, इस पे -18 एक्स होता है, -26 वाई होता है, और 8 डिग्री आपका जेड होता है, इसको अगर आप चेक करो, रोटेट करो, ये देखो ये चीज है ना, इस पे घुमा रहा है रोटेट,
एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है रोटेट करना, रोटेट जेड है थर्ड वाली, ठीक है। एक आपका ये समझ लो एक्सल लगा हुआ है, ये उसके इर्द इस तरह घूम रहा है, ये एक्स एक्सिस है, और अगर ये ऐसा है तो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और अगर आप इसको शेप जो भी है, इमेज है या टेक्स्ट है, इसको अगर इस तरह घुमा रहे हो तो ये आपका जेड एक्सिस है, रोटेशन जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये तीन आपको हैंडल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है वो ऑफ एक्सिस फ्रंट होता है इस तरह, ठीक है, जिसमें आपको डीप भी नजर आ रहा है, लेफ्ट भी फेस नजर आ रहा है, फ्रंट फेस भी उसका आपको दिख रहा है, एक्सट्रूड एंड बेवल। अब आप इस ऑब्जेक्ट को सिंगल भी हो सकता है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी हो सकते थे, ये तो है ही सिंगल, मैंने अगर मैं चार स्क्वायर बना लूं इस पे मैं एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, हो सकता है मेरी डिजाइन की रिक्वायरमेंट ऐसी हो तो मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है। और अगर आप इसको यूनाइट कर लो तो सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं, उस पर एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगा लो। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि काम करते हैं, मैंने कैंसिल कर दिया, इसके ऊपर मैं मल्टीपल शेप्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा लेता हूँ। ये देखो ये एक शेप ये है, इसके साथ मैं शेप को एड ऑन कर लेता हूँ, ये लो जी ये शेप मैंने ये बना दी। इसको आप यहाँ पे जाके मैं चलें इसको यूनाइट कर लेते हैं, वो आपको याद होगा मैंने आपको पाथफाइंडर करवाया था, इसका मतलब है आप जो भी डिजाइन बनाना चाह रहे हो जिस पे 3D इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हो उसको आप क्रिएट करने के बाद उस पे अपनी जरूरत के मुताबिक उसको करने के बाद, अगर मैं कहूँ इसका मुझे 3D रिक्वायर्ड है तो ये इसको मैंने क्लिक किया, अपीयरेंस पैनल में गया और अपीयरेंस पैनल में जाके एफएक्स पे क्लिक किया, एफएक्स क्लिक करके 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, वो देखो बन रही है ना 3D इफेक्ट्स। मजीद इसको अगर आपने डीप करना हो, अगर आपने मजीद इसको डीप करना हो, ये पर्सपेक्टिव व्यू है, अगर आपने डीप करना हो तो यहां से करना है, ये एक्सट्रूड डेप्थ है 50 पॉइंट है, बढ़ा दो छोटे थोड़ा थोड़ा करना, ज्यादा ना एकदम से कर देना वरना वो फिर आपको वही मसला आएगा ग्राफिक्स का, स्लो हो जाएगा सिस्टम। ये मैंने 60 70 80 90 वो देख रहे हो डेप्थ बढ़ रही है उसकी, ऑलमोस्ट मैंने 50 से डबल कर दी, 100 पॉइंट्स, ये डेप्थ मैंने 100 पॉइंट्स कर दी। अच्छा एक इसका था कैप होता है, ये कैप है जो ऊपर लगा हुआ है, ऑफ कर दूं कैप को, ये तो ये समझ लो ऊपर जो कैप लगा हुआ है ना उसको मैंने हटा दिया, ये एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगे आया है, ये कैप है इसका, कैप को हटा दिया मैंने, कैप ऑन ऑफ। अब आप इसको इस तरह दिखाना चाह रहे हो ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट आपको रिक्वायर्ड था, ये वाला चाहिए था, इस साइड पे ऐसे चाहिए था, टॉप फेस ऐसे देखना था, ठीक है, या इसको अपसाइड डाउन करना था। अब एक्सट्रूड आपने किस तरह का एंगल पे उसको दिखाना है, ठीक है, और ये कैप अगर आपको नहीं ऑफ करना तो कैप को ऑन कर दो, ये कैप ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अब अगर आपको मैं ये कहूं कि जो एक्सट्रूड डेप्थ के बाद एक होती है बेवल ऑप्शन, लेवल्स आपके पास करता क्या है, ये देखो अगर आपने अभी मैंने एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगाए, अब मैं बेवल को दिखाने के लिए अगर आपको इसमें चेंजेस करनी है स्टूडेंट्स, कभी भी इफेक्ट मेन्यू के थ्रू नहीं करनी, हमेशा जब आप क्लिक करो अपीयरेंस पैनल को ऑन करो, यहां पे ये ऑप्शन आपकी टिक हुई हुई है, दिख रही है ना कि इसके ऊपर लगे हुए हैं इफेक्ट्स, आप यहां से एडिट करना है, और अगर इसको डिलीट करना है सिलेक्ट करके ये डिलीट ऐसे कर दो, अगर डिलीट करना है इफेक्ट, अगर आपने मॉडिफाई करना है यहां से जाना, यहां से कभी ना जाना, क्यों कि ये होगा, वो कह रहा है ये जो इफेक्ट ऑलरेडी लगे हुए हैं मैं डबल इफेक्ट लगा दूंगा, और लाजमत है एक इफेक्ट तो उसमें उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जब डबल लगेंगे इफेक्ट्स तो काफी हद तक आपकी इसमें रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी, इसकी हार्डवेयर की, रैम की, ग्राफिक कार्ड की, तो वो अगर उसमें आप शॉर्ट हो तो प्रॉब्लम होगी, तो इसको यहां से कैंसिल कर दो, यहां पे जाके यहां से ना करना, ठीक है, यहां से जाके कर, ये लो क्या करना है। अब मैं बेवल दिखाऊं उसका, बेवल वर्जन देखो, क्लासिक वर्जन देखो, जरा क्लोजली इसको देखना क्या चेंजेस आ रही है, लुक चेंज हुई, फेस देखो उसका, दोबारा से देखो कि नोट नहीं किया, नन चेंज नजर आई है, क्लासिक
पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स देख रही है लोग उसकी, टू ये थ्री डिफरेंट वेरिएशन, फोर कर्व जैगी रोलिंग राउंडेड और ये टॉल राउंड, काफी शाइनी शाइनी सरफेस हो रही है, ठीक है ना, देख रहे हो टोटल लुक चेंज हो गई है। इसका मतलब ये टेक्स्ट अगर होता या कोई और शेप होती उस पर भी ये इफेक्ट्स है। इसका मतलब आपने इसमें क्या करना होता है, 3D एक्सट्रूड में एक तो उसका एक्स वाई जेड सेट करना होता है, दूसरा इसका एक्सट्रूड की डेप्थ सेट करनी होती है, कैप के ऑन ऑफ करने के साथ बेवल सेटिंग करनी होती है। इसके अलावा ये आपको हाइट को भी रेज कर सकते हो, ये देखो वो देखो वो देखो, शेप में चेंजेस नजर आ रही है। जितनी जरूरत है उतनी करो, कोई और ले लो, उसमें देखो रोलिंग करो, ये देखो दिख रही है हाइट को रेज कर रहा है। इतनी ना कर देना कि शेप बिगड़ ही जाए, ठीक है। ये जैगी लेता हूं, चेक करो हाइट रेज करता हूं इसके, वो देखो दूसरी तरफ चला गया। ये इसको आप शेप टू शेप वेरी करता है, आप बनाना शेप्स डिफरेंट डिफरेंट, इसके ऊपर अटेम्प्ट करके इसकी वैल्यूज को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप इसको चेक कीजिएगा। आप बालकत होता ये है, खास तौर पे मैं आपको ये दिखाता हूँ, बालकत ये होता है कि आपको शाइनिंग नजर नहीं आती, ये शाइनिंग है, ये प्लास्टिक शेडिंग की वजह से नजर आ रही है, ये प्लास्टिक शेडिंग की ऑप्शन ऑन है। अगर आप इसको वायर फ्रेम करोगे सिर्फ इसका ढांचा नजर आएगा, स्किन गायब हो जाएगी। कुछ भी है, कोई बॉटल है, कोई बैग है, या कुछ भी है, देखिए वो स्किन नजर आ रही है उसकी, वायर फ्रेम नो शेडिंग, कुछ पता नहीं लग रहा शेडिंग। एक्चुअली रूम के अंदर अगर लाइट नहीं होगी आपको उसकी डायमेंशन का नहीं पता चलेगा, लाइटिंग की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, आपको उसकी शेड्स की वजह से आपको उसकी एक्चुअल फिजिकल उसकी लुक नजर आती है। तो नो शेडिंग में तो ऐसा नहीं होगा, डिफ्यूज शेडिंग में थोड़ा डल हो जाएगा, और आखिरी ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट होती है वो प्लास्टिक शेडिंग होती है जिसमें शाइनिंग नजर आती है, जो कि ये आ रही है, आ रही है ना ये सरफेस के ऊपर शाइनिंग ये वाली, तो ये आपको अवेलेबल होगी प्लास्टिक शेडिंग में। बाकी मैंने आपको तीनों का इस्तेमाल बता दिया, ये सरफेस के ऊपर लुक कैसे निकलनी है, वायर फ्रेम नो शेडिंग डिफ्यूज शेडिंग, और सबसे अच्छी वैल्यूज आपको जो रियल ऑब्जेक्ट के क्लोज वेरी क्लोज होती है वो प्लास्टिक शेडिंग होती है। तो उम्मीद है आपको सरफेस की भी समझ आ गई। अब आ जाओ लाइट को किस एंगल से प्लेस करना है, वो है मोर ऑप्शंस में, मोर ऑप्शन में चले जाओ, ये देखो लाइट प्लेसमेंट हो रही है ये फ्रंट से, इसको ऊपर नीचे करना, यहां से कर लेना, ये देखो आइडिया हो रहा है लाइट की प्लेसमेंट, शाइनिंग देखो किस तरह मुंतकिल हो गई है। इधर ले आओ वापस नीचे, अब इसको थोड़ा सा जब करोगे ना मूव तो फिर नजर आएगा ऐसे, तो देखो लाइट डायमेंशन डायरेक्शन ये आपने यहां से सेट करनी है, ये लो लाइट, अब समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। अच्छा लाइट जो होती है वो आपकी सिंगल तो होती है, आप इसको डबल भी कर सकते हो लाइट को, और लाइट की इंटेंसिटी यहां से कंट्रोल कर लेना, लाइट ब्राइटनेस ज्यादा नजर आ रही है ना, कम कर दो 100% से कम कर दो, ये लो ये लो ये लो, ये समय लाइट बंद ही कर दी मैंने। जब लाइट आपकी ऑफ हो जाती है आपको शेप की एक्चुअल फिजिकल लुक ही गायब हो जाती है, पता ही नहीं लग रहा है क्या। तो लाइट जब तक नहीं पड़ेगी, रिफ्लेक्शन नहीं क्रिएट होगी, आपके एग्जैक्टली डायमेंशन नजर नहीं आएंगी, है क्या ये यहां से आपने कंट्रोल करना है, इसे बोलते हैं लाइट इंटेंसिटी। और लाइट जो होती है एक एम्बियंट लाइट भी होती है, एम्बियंट लाइट का मतलब होता है तमाम के ऊपर एक जैसे, ये सूरज होता है ठीक है, अगर वो बिल्कुल ऊपर होता है तो सारी लाइट ही लाइट है, जब डायरेक्शन चेंज करता है इधर लाइट ज्यादा इधर कम, 12 बजे दोपहर के आप समझ लो पूरी वर्ल्ड के ऊपर लाइट, मतलब पूरी वर्ल्ड का मतलब ये वर्ल्ड समझ लो इसको, इसके ऊपर पूरी लाइट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए,
ये एम्बियंट लाइट कहलाती है। ठीक है, ये आमतौर पे किसको कहाँ रखते हैं, 50% पे। हाँ, जो आप सारा प्ले करते हो वो इसके साथ करते हो। लाइट इंटेंसिटी इस बल्ब के लिए ऑन होगी, एक और ऑन कर दो, यहां से ऑन कर लो, ये दूसरा बल्ब भी आ गया। अगर आप उसी डायरेक्शन में रखना चाह रहे हो या इसको किसी और डायरेक्शन में रख के अपने ऑब्जेक्ट की लुक चेंज करना चाह रहे हो, यहां से कर लेना। हो रही है चेंज? मुझे नहीं पता मल्टीमीडिया पे क्या नजर आ रहा है, इधर तो मुझे अच्छा नजर आ रहा है, उधर भी उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आ रही होंगी आपको। ये यहां से आप कर सकते हो। इस लाइट को ऑन एक और करनी है, ये लो, ये लो। जितनी जितनी लाइट्स आपकी वहां पे प्लग होती जाती हैं, हर लाइट की अपनी इंटेंसिटी होती है, हर लाइट की अपनी इंटेंसिटी होती है। अगर लाइट नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब ये लाइट यहां पे रखी मैंने, इस जगह पे लाइट अगर इसको क्लिक किया हुआ है, ये इसकी इंटेंसिटी है, इसको क्लिक किया हुआ है, ये इसकी इंटेंसिटी है। इसका मतलब हर बल्ब की अपनी इंटेंसिटी होती है, अलग अलग। जैसे एक कमरे में दो जगह लाइट लगा देते हो, एक 50 वाट की है, एक 100 है, डिफरेंट होगा ना उसका स्क्रीन के ऊपर। तो ये आप अलग अलग लाइट की वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हो। जहां तक हाईलाइट है, सुन, ये हाईलाइट होता है, ये आप दिख रहे हैं, आपको बड़ा ब्राइट सी एक लकीर नजर आ रही है, इसे बोलते हैं हाईलाइट। हाईलाइट को यहां से कंट्रोल करते हैं, इंटेंसिटी, हाईलाइट की इंटेंसिटी भी देख लो, ये हाईलाइट और मजीद ब्राइट हो गया। तो देखो लाइन आपको कितनी ब्राइट सी नजर आ रही है, ये 100% हाईलाइट की वजह से है। कम कर दो, हाईलाइट की वैल्यू कम हो रही है, हाईलाइट बिल्कुल लाइट हो गया, वेट और बिल्कुल ही खत्म हो गया, हाईलाइट आपको नजर ही नहीं आ रहा। अब कहीं भी हाईलाइट नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपने हाईलाइट को जीरो कर दिया। हाईलाइट की भी इंटेंसिटी होती है, एक तो लाइट की होती है ना, एक हाईलाइट की भी होती है। यहां से आप कर सकते हो, ये लो, ये हाईलाइट की इंटेंसिटी को यहां से कंट्रोल कर लो। बाकी ये छोटी छोटी ऑप्शन है, ये हाईलाइट का जो साइज है, साइज को भी कम ज्यादा कर सकते हो। हाईलाइट का फैलाव जिसे बोलते हैं, स्प्रेडिंग जिसे बोलते हैं, हाईलाइट साइज जिसे बोलते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है। ये ब्लेंडिंग स्टेप्स हैं, इसमें भी आपको मामूली सा आपको फर्क दिखाई देगा। ब्लेंडिंग स्टेप्स जो कि आपके मैक्सिमम 256 हो सकते हैं, ये तब होता है जब कोई ग्रेडियंट्स हो, तो वहां पे आपको स्टेप्स में नजर आएगा। अच्छा, एक चीज और, इसमें जो शेड होता है ना, शेड वो होता है ब्लैक कलर का, शेड को भी चेंज कर सकते हैं। शेड आमतौर पे ब्लैक ही होता है ना, आप इसको ग्रीन करना है, कस्टम में जाके ग्रीन कर लो, वैसे करना नहीं लेकिन करना चाहो। ये रेड शेड आ गया, ये देख रहे हो, उस ऑब्जेक्ट पे पहले ब्लैक शेड था, वो रेड हो गया, ब्लू कर दूं, चेक करो शेड में, अब आपको डिफरेंस नजर आएगा। येलो कर दो, रेड कर दो, जो आपने करना है। ये देखो, ये देखो, ये शेड, और ये यहां पे भी नजर आ रहा है ग्लोब में शेडिंग। इसका मतलब वैसे ही बाय डिफॉल्ट ये शेड जो होता है ब्लैक ही होता है, ब्लैक ही रहने दो, शेड आमतौर पे होते ही ब्लैक है, ब्लैक शेड के साथ आप जाओ। और अब अगली बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके ऊपर अगर हमें कोई मोनोग्राम लगाना हो, कोई लोगो लगाना हो, तो वो कैसे लगता है? लोगो लगाने के लिए, मोनोग्राम लगाने के लिए इसके बराबर वाली ऑप्शन है मैप आर्ट की, यहां पे क्लिक कर दो। और मैप आर्ट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स, ये वो सिंबल्स हैं जहां पे आप अपना लोगो बना के रख सकते हो। इत्तफाक की बात है, मैंने लोगो बना के नहीं रखा लोगो, वरना यहाँ पे भी आप अपना प्लेस कर सकते। लोगो क्यों बना लेते हैं, सिंपल सा एक बॉटल से बना लेते हैं, उस पर लोगो एक बना के रख लेते हैं, सिंबल्स में रखना है लोगो। सर, वो जो आपने अपने यहाँ की सर्कल शो आपने नाम लिखा था, शायद वो बना हो इसमें। हाँ, वो तो बना है, वो तो बना हुआ है, वो बना हुआ है, लेकिन उसको हम राइट पोजीशन पे अभी रखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे तो आ गया है, उधर भी आ, उधर क्यों नहीं आया था? चलो इसको मैं उधर भी रखते हैं, क्लियर करते हैं। दोबारा से देखो, आपने सबसे पहले ये देखो, ये जो चीज बनी है इसकी किस साइड के ऊपर आपको लोगो लगाना है। साइड आपकी देखो काफी सारी है ना, फ्रंट भी है, लेफ्ट भी है, टॉप भी है, राइट भी है, बिलो भी है, बॉटम भी है, काफी सारी साइड्स हैं। अब आपने पहले डिसाइड करना ये साइड कौन सी है, कितनी साइड्स हैं टोटल इसकी, ऊपर दिख रही है 23 साइड, इसने डिफरेंट डिफरेंट बना दी। ये डिपेंड करता है एंकर्स कितने हैं, उस हिसाब से साइड्स भी बढ़ जाती हैं। यहाँ से साइड पहले डिसाइड करनी है। और ये कैसे पता चलेगा, इसको हम किस तरह इस चीज को सेंस करेंगे, ये देखो ये डिफरेंट साइड्स हैं। मैं एक काम करता हूं,
मैप आर्ट के लिए अलग से कोई चीज ऑब्जेक्ट बना के उस पर आपको बना के दिखा देता हूँ। कैंसिल कर दो फिलहाल, कैंसिल करके ओके कर दो, ये आपके आपके पास एक रेडी हुआ। अगर अगर आपको ये इसको नॉर्मल करना है, इस इफेक्ट्स को खत्म कर देना बस ऐसे। सेलेक्ट कर लेना पहले, ठीक है, सेलेक्ट पहले जरूरी करना है, फिर इसको आप डिलीट कर देना। ये वैसे ही हो गया जैसे था। अब मैं आपको अगर कहूँ कि मुझे कुछ डिज़ाइन बनाने हैं, एक लोगो बना के रख लेते हैं, उसको फिर मैप आर्ट के थ्रू अपने उस मटेरियल के ऊपर जो आपके पास है 3D, उसके ऊपर कॉन्टेंट अपना रख लेते हैं। तो उसके लिए फिर एक लोगो बना लेते हैं। नहीं जी, ये एक सिंपल सा आपने डिज़ाइन अपना रेडी किया, रेडी करने के बाद इसको सिंबल के टेबल में ऐड करना है। ये सिंबल आ गया, ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दो, लोगो नाम दे देते हैं इसका, कंपनी लोगो। इसको चाहे आप यहां से खत्म कर दो। आप अपनी प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपने इसको आप प्लेस करना चाह रहे हो, 3D कंटेंट, मैप आर्ट और लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ, वो अब आप अपना ऑब्जेक्ट बना लो। अब ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो कंप्लीट एक अपना कंटेंट ऑब्जेक्ट का बना लो, बॉटल है, कोई ग्लास है जिसके ऊपर आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो, या उसका हाफ आप क्रिएट कर लो। अगर आपने हाफ क्रिएट करना है तो लाइक हमारे पास पेन टूल है, एक हाफ हम क्रिएट कर लेते हैं जैसे ये बनने लगा। हाँ बिल्कुल, हाफ लेकिन क्रिएट करनी। अच्छा दूसरी बात, जब ये क्रिएट करो तो एक एहतियात करो कि इसका फिल ना लगाना, फिल ऑफ कर दो, स्ट्रोक ऑन कर दो। ये देखो डिफॉल्ट किया, आपको पता स्ट्रोक ब्लैक है और फिल इसका वाइट है, आपको ट्रबल होगी अगर आप फिल को ऑन करोगे। हाफ बनते बनते फिल भी नजर आनी शुरू होती, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओगे। तो फिल को नन कर दो,
स्टॉक का कलर वो रखो जो आपका प्रोडक्ट का कलर आप देना चाह रहे हो. लाइक आई वॉन्ट टू पुट दिस कलर ब्लू, ठीक है, ये ब्लू ले लेते हैं. ये ले जी, अब बनाना शुरू करते हैं पेन टूल से. अब ड्रॉ करना शुरू करो. अब कोशिश करो इसके शार्प एजेस कम से कम हो. अभी तो मैं शार्प एजेस के साथ ही आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना शार्प एजेस, चल शार्प एजेस को बाद में चेंज करके दिखाते हैं. ये आपका हाफ मैंने बना दिया हाफ, ठीक है. और इसको अगर आप टर्मिनेट करना चाहो एंटर करने से टर्मिनेट कर सकते हैं, स्केप कर दो टर्मिनेट हो जाता है. ये हाफ आपने बना दिया, अब आप इसको यहाँ पे ये अब आपको शेप नजर आ रही है. शेप को कोशिश करो ये कॉर्नर शार्प जो है राउंड कर दो, ठीक है. मैंने शार्प से राउंड कर दिए सारों को. अगर आप गौर करो मैंने स्ट्रेट थे शार्प थे सबको राउंड कर दिया. इसको अगर आप वेट बढ़ाना चाहो वेट बढ़ा दो. ये तकरीबन मैंने 4-5 पॉइंट तक कर देता हूँ. अब ये आपके पास हाफ बॉटल बन गई, ये हाफ डिज़ाइन आपका रेडी है. आपने अब करना क्या है, अपीयरेंस पैनल में जाना है और अपीयरेंस पैनल में जाके ये मैं अपीयरेंस पैनल में जाके इफेक्ट्स को ऑन करने लगा हूँ, जो कि अगेन आपके पास 3D इफेक्ट्स हैं. लेकिन इस बार मैं जाऊँगा रिवॉल्व में, एक्सट्रूडर को नहीं करूँगा, मैं रिवॉल्व करने लगा हूँ. रिवॉल्व में याद रखना ये पूरा 180 डिग्री का जाविया लगेगा, उसका सेकेंड हाफ खुद बना देगा. सेकेंड हाफ उसने उसका टोटल खुद बना दिया, ठीक है. अगर आप कहो कि सर इसका जो कैप है वो तो नजर ही नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं लेना, ये अगर आपका बन गई है बॉटल आप इसको बाकी मैं ऑप्शन बाद में बताता हूँ ओके करके बाहर आ जाओ. यहाँ पे अगर आपको ये प्रॉब्लम आई है वो ये कि इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही लाइन में आ गया, ठीक है. इधर तो चले ठीक है इसका 180 डिग्री पे यहाँ पे इसका सेकेंड हाफ बना दिया, यहाँ पे चूंकि इसका वेरी वेरी क्लोज था इसलिए छोटा सा पॉइंट आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, कैप उसका. इसको ठीक कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो. ये टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल. डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो. बस ये याद रखना इसने बिल्कुल एक ही सीध में क्लोजिंग एंड जो इसका ओपनिंग है उसका सेकंड हाफ देखो. इधर तो इसने पूरा फुल फ्लैज, यहाँ पूरा एक था ना एक एरिया, उसके ऑपोजिट यहाँ बना दिया. अब यहाँ पे इस शेप के अराउंड बिल्कुल एक छोटा सा पिन थी तो उसको उस हिसाब से रोटेट किया, रिवॉल्व किया. अब मैं इसको ठीक कर लेता हूँ. अब आपको वो कैसे ठीक होगा, मैं काम करूँगा इन सब को. मुझे कर लेना चाहिए था, थोड़ा पीछे इसको ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन चले अब ये कर लेते हैं इसको. देख रहे हो उसका कैप, हाँ, उन एंकर्स को सिलेक्ट करके एरो की इस पीछे कर रहा हूँ, ठीक है. अगर आप चाह रहे हो कि इस स्लॉट को भी कर लेना चाहिए था, इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लो, शिप के साथ इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ. अब इनको भी पीछे कर लेता हूँ. शेप खराब हो रही थी ना, मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ. वैसे तो बनाते वक्त आप एहतियात कर लो, ये काम खराब होगा ही नहीं, ठीक है. मैं थोड़ा सा इसको मुझे थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करना चाहिए था, मैंने उसी लाइन में स्टार्ट कर दी जहाँ पे एंड हो रहा है, वो एक ही सीध में उसका ऑपोजिट जब उसने क्रिएट किया है, जाने एक छोटा सा पॉइंट था ना, उसने उसके हिसाब से उसको वहाँ पे पिन कर दिया. चले इसको मैं मजीद थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता, इसका मतलब बाद में भी हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी. ओपन हो गया ना उसका ऊपर हेड, ये ले पहले बनाना था पहले कर लेते, बाद में भी सेट करना हो बाद में भी सेट हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी. डायरेक्ट सेक्शन टूल से इसकी शेप को एडजस्ट कर लो. ये जी एक सिंपल सा आपके पास एक बॉटल बनते हुए नजर आ रही है, जो एक कलर जो आपने स्ट्रोक कर दिया था उसके मुताबिक इसने ये क्रिएट कर दिया. अगर आपको कलर की सेंस नहीं बन रही कोई टेंशन नहीं, ये इसलिए नहीं दिख रहा है आपको लग रहा है ब्लैक ब्लैक है, लाइट कलर कर लेते हैं. अब लाइट कलर कैसे होगा, यहाँ से जाके लाइट कलर कर दो. ये देखो हमें आ रही है, यहाँ से कर देना कलर जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना. अब आप अगर को आपको कहा जाए इसके ऊपर मुझे लोगो लगाना है, सरफेस के ऊपर मुझे लोगो लगाना है, ठीक है, कंटेंट अपना बनाना है, तो वो बनाने के लिए आपको इसी में जाना है अपीयरेंस पैनल में और इसको मॉडिफाई कर लो. ये लिखा हुआ ना 3D रिवॉल्व एक्सट्रूडेड बेवल जहाँ था, अब मैं आपने रिवॉल्व किया तो रिवॉल्व आ गया. ये लो और यहाँ पर जाके आज आप लोगो प्लेस करना चाह रहे हो. बाकी चीज़ें वही हैं, बाकी स्टूडेंट्स कोई नई चीज़ नहीं है,
आप डायरेक्शन चेंज करो, इसकी एंगल चेंज करो, डेप्थ चेंज करो, ईच एंड एवरीथिंग आपका वैसे ही चल रहा है। सिर्फ एक जो नई चीज जो अभी आपको नहीं बताई थी वो मैप आर्ट यहां से जाके चलो। मैप आर्ट पे जैसे क्लिक करोगे अभी थोड़ी देर में ना ये लोगो इसके ऊपर आने लगा है जो सिंबल में रखा हुआ है। इसको चाहे बंद कर दो, रख तो दिया है, इसको बंद कर देते हैं। बाकी तरह मेन्यू शेन्यू में डिफॉल्ट कर दूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब कोई काम नहीं रह गया, अब जस्ट मैप आर्ट के इनसाइड जाना है और उस की वो लोकेशन, वो साइड, वो प्लेन, वो सरफेस को आपने बस बताना है जिसके ऊपर आपने लोगो लगाना है बस। ले जी, अब ये बॉटल है जिसको आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अपीयरेंस पैनल को सामने ले आओ ताकि काम आपका फिनिश हो जाए। अपीयरेंस पैनल सामने आ गया, इसके ऊपर आपने, ये अपीयरेंस पैनल सामने आ गया, इसमें आपने ये 3D रिवॉल्व क्लिक कर देना, मैप आर्ट पे क्लिक कर देना। ये है जी मैप आर्ट का वो बॉक्स जिसमें एग्जैक्टली आपने बताना है साइड कौन से। अब आपको ये रेड लाइन नजर आ रही होगी यहाँ पे, ये इसका कैप है, हेड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट साइड यही है, सेकंड पे जाते हैं देखते हैं कौन सी है। इसमें नजर रखनी है, जहाँ रेड आपको लाइंस ग्रिड्स नजर आएंगी वो जगह होगी जहाँ पे आपने अपने सिंबल को प्लेस करना, जो कि यहाँ से आएगा नन। ये देख रहे हो, ये सिंबल कंपनी लोगो जो आपने बनाया था, लेकिन ये तो आपने बाद में, पहले ट्रैक करो कि साइड कौन सी है। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट जॉब होती है। ये लो, ये इसका रिंग आ गया टॉप का, ये इसका नेक आ गया, ये इसके नेक का बॉटम आ गया, ये उसके साथ सरफेस आ गया, ये उसका बिलो आ गया। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इसको बैंड वैंड दे दिए, मैं सिंपल रखता तो ज़्यादा आपके लिए भी समझने में मुश्किल होती, इतनी साइज भी ना बनती। वो मैंने आपको इतना 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने कट डाल दिए, हालांकि मैं एक ही करता तो आपके लिए और मेरे लिए ईजी हो जाता, कोई बात नहीं। यहाँ से ट्रेस करते हैं, ये बॉटम, ये इसकी नेक का बॉटम, ये आ गया जी फ्रंट, दिख रहा है आपको रेड लाइंस। अब आप यहाँ पे सिंबल को प्लेस कर दो, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी पता चल जाएगा आपको। जब आप यहाँ पे ऐसे प्लेस करोगे ना तो ये आपका लोगो यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिख रहा और इसको स्केल करने से भी फिट यहाँ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये साइड गलत थी, ठीक है। इसको क्लियर कर दो, अगली साइड चलते हैं। ये बॉटम है, ये 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 आगे फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लगा लेते हैं, ये जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है ना, ये आपका मेन फेस है इसका, समझ आ रही है। इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, छोटा रखना छोटा रख दो साइज, स्ट्रेचिंग करनी है यहाँ से कर देना, ठीक है। इसको फिक्स, और अगर आप स्केल टू फिट करते हो ये खुद ही कर देता है पूरे एरिया में, बहुत ये बिग बॉक्स में, इसको तो नहीं करना ना आपने, तो इसको फिर आप मैन्युअली किया करो। और राइट स्पेस इज दिस वन, ये बॉक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा साइज अपनी जरूरत के मुताबिक ऐसे करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये कलर वलर देख लेना, अगर इस पे अच्छा नहीं लगा किसी और पे टेस्ट कर लेते हैं अभी, कोई मसला नहीं। ओके करते हैं, ओके करते हैं। और ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट, और अगर आपको कलर्स के हवाले से कोई मसला है, क्लिक करके यहाँ से स्ट्रोक का कलर कोई और टेस्ट करके देख लो, डिपेंड करता है रेड, ठीक है, लाइट ब्लू, मैरून। स्ट्रोक है असल में, स्ट्रोक को जो इसको रिवॉल्व किया गया, ब्लैक करना है ब्लैक कर दो, ग्रीन करना है ग्रीन कर दो, डिपेंड करता है कि लोगों के साथ भी देख लेना, लोगों के साथ कौन सा सूट करता है,
या आपकी कंपनी का जो ये प्रोडक्ट है वो किस कलर में है, वो आप कलर उस हिसाब से ले लो। मैंने तो ये बनाया था ब्लू के लिए, ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो भी कलर करना हो। इसका मतलब है एडिटिंग जो है इस हवाले से बाद में भी हो जाती है, वो टेंशन नहीं लेने के सर, वो बनाते बनाने से पहले करनी है, बनाने से बाद भी हो सकता है, बनाने के बाद भी हो सकता है, मैं कर तो रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप इसकी ऑप्शन है जिसका नाम है मैप आर्ट, मैप आर्ट से ये काम करना ईजी हो जाता है। उम्मीद है यहाँ समझ आ गई होगी, बाकी करनी है प्रैक्टिस। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम ये फुल बना लेते तो फिर क्या होता, ये तो हाफ बनाया ना, तो रिवॉल्व का मकसद ही होता है कि हाफ क्रिएट करना, चाहे लेफ्ट कर लो चाहे राइट कर लो, मोस्टली हम राइट करते हैं, लेफ्ट वो खुद क्रिएट करते हैं पूरा 180 ज़ाविया के ऊपर रोटेट करके रिवॉल्व करके, ठीक है। अब आप अगर फुल कंप्लीट इसको बनाना चाहो वो बना सकते हो, मना नहीं कर रहा, आप बनाना बना लो, ये दो, ये मैंने कैप बनाई, ये मैंने नेक बनाई, ये नेक का बॉटम आप बना दिया, ये इसका रिमेनिंग बॉडी बना दी, ये सपोज आपकी स्प्रे की बॉटल है या कोई भी ऑयल की बॉटल है, ये लो ये आपने बना दी। कलर डिसाइड कर लो, कलर मिसाल के तौर पे आपको क्यों नहीं दिख रहा, इस हवाले से मैं कलर इसका येलो रख लेता हूँ, आप जो मर्जी रख ले लो। अब आपने करना क्या है, इसकी जो बाउंड्रीज है ना उनको कम करते हैं। अब बाउंड्रीज कैसे कम करेंगे, लाइक मतलब आपको मैंने कुछ अर्सा पहले एक ऑप्शन करवाई थी, ये शेप बिल्डर, ये लो, ठीक है, ये आपके पास एक पूरा बॉटल का एक स्ट्रक्चर आउटसाइड बाउंड्री नजर आ रहा है। अब इसको हाफ कर लो, याद होगा आपको हाफ डिवाइड करने वाली ऑप्शन, डिवाइड बिलो वाली ऑप्शन, डिवाइड बिलो वाली ऑप्शन याद है, मैंने आपको कुछ रोज बात में बताई थी आपको। अगर ये सेंटर नहीं है सेंटर कर लो, इसको अलाइनमेंट में जाके इसको चेक कर लो, सेंटर है अलाइन, यहां से कर लो हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, ये लो सेंटर है, सारा नहीं सिलेक्ट किया, क्या कर रहा हूँ मैं, ये सारा ऑब्जेक्ट ये आ गया, ठीक है, हाँ इस ऑब्जेक्ट के ये इसका सेंटर आ जाएगा, अलाइनमेंट में गए, अलाइनमेंट में मैं यहाँ पे अलाइन टू सिलेक्शन है, ठीक है, अलाइन टू सिलेक्शन ही करनी है, की ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है? नहीं की ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इसको रख लेते हैं अलाइन में, इसको अब अटेम्प्ट करते हैं सेंटर हॉरिजॉन्टली, सेंटर करने के बाद अब आपने अगला काम क्या करना है, डिवाइड कर दो इसको, ऑप्शन थी पाथ हाँ हाँ वही भी कर, पाथफाइंडर सो डिवाइड इट दिस वे, ये डिवाइड चलो, इसको अब आपने क्या करना है, डिवाइड हो गया, अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अगर नहीं करते तो क्या होता है, मिसाल के तो मैं नहीं करता डिवाइड नहीं करता, ये लो डिवाइड नहीं करता, इसी को अगर मैं रिवॉल्व करूंगा तो अजीब सी एक शेप बन जाएगी, डबल हो जाएगी ना,
फिर ये होगा काम, इसलिए मैंने कहा डिवाइड कर देना। हाँ बिल्कुल, ये देख रहे हो, पूरा उसे रिवॉल्व करके एक उसका ऑपोजिट साइड जनरेट करती है। अब ये तो नहीं चाहिए था, अगर ये चाहिए तो ठीक है ले लो, अदरवाइज आप क्या करो, आप अपने इसको डिवाइड कर दो। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप जैसे एक लाइन लगाओ और लाइन से इसको दो हिस्सों में डिवाइड करवा दो। सिलेक्ट किया, पाथफाइंडर में गए और ये डिवाइड पे क्लिक कर दिया, ये डिवाइड हो गया। इसको अनग्रुप करो, अनग्रुप कर लो, अनग्रुप करके इसका लेफ्ट करना है खत्म, ठीक है, लेफ्ट को साइड पे करके खत्म कर दो, राइट ना करना, लेफ्ट वाले को खत्म करना है। और इसको सिलेक्ट करके अब अटेम्प्ट करो, ऑप्शन इफेक्ट्स में जाके रिवॉल्व, ठीक है। और बाकी जहां तक इसका वो करना है आपने मैप, मैप यहां से जाके, ये थोड़ा सा ट्रिकी जॉब होती है, आपने इसको देख के करना है कि किस साइड पे, ठीक है, गलत हो जाए कोई मसला नहीं, क्लियर कर दो उसको। इस पर हम टेक्स्ट हाँ जो वो उसमें में लिखा था ना, वो मैंने लोगो के अंदर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो हो सकता है, क्यों नहीं, ना इमेज बनाओ, वो मैंने एक शेप बनाई थी ना, बनाओ सिंपल टेक्स्ट लिख दो, साइड पे गलत हो रही है तो आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप रॉन्ग साइड पे हो, रॉन्ग साइड पे हो तो क्लियर कर दो, ठीक है। यहां से आपने साइड इसकी देख लेनी है, फ्रंट साइड कौन सी है, ठीक जब बाद में ना फ्लिप होता है इसको ठीक कर देना है वैसे। ये पता नहीं इसमें क्यों इस तरह होता है कि फ्लिप कर देता है उसको, चले। अच्छा इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को अपनी स्क्रीन के ऊपर उस शेप के ऊपर आप प्लेस कर सकते हो, और प्लेस करने के बाद वो जब ओके करोगे तो ये आपका यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उसकी लुक विद दैट ऑब्जेक्ट वो आपको पेंट करके दिखा देगा। अब आपकी मर्जी है, अगर आप फुल एक क्रिएट करना चाहो ऑब्जेक्ट वो भी कर सकते हो, और अगर आप हाफ करोगे तो आपके लिए ज़रा इजी हो जाता है, हाफ क्रिएट करने से ये है कि उसका सेकंड हाफ वो खुद बना देता है, लेकिन अगर आप फुल इसका बनाते हो तो उसका हाफ खुद कर लेना पहले, अगर नहीं करोगे तो उसको रिपीट में रिवॉल्व जब करता है डबल कर देता है, ठीक है। अच्छा जहां तक आपके इसमें एक रोटेट की ऑप्शन, रोटेट की ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अपने टेक्स्ट को भी एक्सट्रूड करना चाहो, टेक्स्ट को भी कोई हेडलाइन है कोई टेक्स्ट है इसको अगर आपने एक्सट्रूड करना हो, एक्सट्रूड इफेक्ट यहां से आप लगा सकते हो। या आपके पास टेक्स्ट है इसको अगर आपने एक्सट्रूड इफेक्ट्स देने हो, एक्सट्रूड इफेक्ट्स यहां से दे दीजिएगा, कलर जरा लाइट ही ले लेते हैं फिल का, इस पे एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगा देते हैं, और उसमें भी आपने एफएक्स में जाना है, और एफएक्स में जाके ये 3D एक्सट्रूड, और ये आपको एक्सट्रूड इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन वायरेक्शन इधर से देख लेना जो मुनासिब समझो, जैसे आप रखना चाहो टेक्स्ट को, इस साइड को दिखाना चाहो, लुक उसको करना चाहो, इसकी लाइटिंग इफेक्ट्स को सेट करना चाहो, ईच एंड एवरीथिंग ये पॉसिबल है। यहाँ से लाइट्स वाइट्स लाइट्स के उसको प्लेस करके देख लेना, ब्राइटनेस आप देख रहे हो जिस साइड को, आपको उसकी जो है, अगर आप इस पर स्ट्रोक भी लगाना चाह रहे थे, स्ट्रोक लगाने से मना नहीं कर रहा, स्ट्रोक लगा दो, ये लो स्ट्रोक लगा देते हैं, स्ट्रोक चले ब्लैक कर दें, स्ट्रोक ब्लैक कर देते हैं, वेट पर बना देता हूँ, ये स्ट्रोक भी आपको देख रहे, ठीक है। अब आपको स्ट्रोक वाइज भी मैं मना नहीं कर रहा, आप स्ट्रोक लगा सकते हैं, यहाँ पर चले जाओ टेक्स में जाके उस पर स्ट्रोक के साथ देखना है स्टूल। हाँ तो ये आप यूज़ कर सकते हो 3D इफेक्ट, ये इसी तरह लगेगा। आप पोस्टर का साइज डिफाइन करो जो डिफॉल्ट होता है, उसको सर्च कर रहे हैं गूगल पे, पोस्टर का साइज डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिवाइसेस के डिफरेंट साइज होता है, और साइज यहाँ पे ला के अपना कॉन्टेंट जो भी बनाना है, इफेक्ट टेक्स्ट पे भी लग जाता है, इफेक्ट आपकी इमेज पे लग जाता है, शेप्स बनाने पे लग जाता है, ठीक है।
किस हवाले से? मैं कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप अपने टैक्स अपना प्लेस करो और इसके थ्रू आप करो। अच्छा, अगर आप इसको सिर्फ रोटेट करना चाह रहे थे, रोटेट की ऑप्शन भी मौजूद है। रोटेट यहाँ से टैक्स में एक थर्ड ऑप्शन भी थी TD में, रोटेट की होती है सिर्फ इसमें रोटेट, ये उसी का एक पार्ट है सब, लेकिन कोई चीज़ है इसमें एक्सक्लूजन नहीं होती, ठीक है? एक्सक्लूजन नहीं है, सिर्फ लाइटिंग इफेक्ट्स दे सकते हो और इसको अपनी मर्जी से रोटेट करके ऐसे कर सकते हो। अगर आप टैक्स क्या है, कोई इस तरह का कॉन्टेंट है तो आप दें, और अगर आपको डिफॉल्ट चाहिए डिफॉल्ट ऑफ एक्स ऑफ एक्सिस फ्रंट पे आप क्लिक करो, इसमें एक्सक्लूजन नहीं होती, बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है? शेडिंग वेडिंग ये वो सारा कुछ वही है, लेकिन आप जब एक्सक्लूड के साथ जाओगे तो थोड़ी सी कंट्रोल ज़्यादा है आपके पास, ठीक है? कम कंट्रोल्स के साथ है, वो मैक्स कंट्रोल के साथ है, तो आपको वो मिल जाएगा।